कांग्रेस का, तो अब्दुल मन्नान सेठ को टिकट मिलना चाहिए क्या? नहीं नहीं मिलना चाहिए। अब्दुल मन्नान सेठ क्या भी नहीं करे, पिछले भी इलेक्शन में ठहर के वो अंदरून क्या पैसे ले लेगी, खेड़ा के पास सिलेंडर हो गए और इलेक्शन लड़ने के काबिल भी नहीं है, उन्हों आना भी नहीं आइंदा भी। और रहीम खान के इसमें रहीम खान बिदर से एक माइनॉरिटी की सीट चले आती है और मन्नान सेठ उसमें अगर इन्वॉल्व हुए, मन्नान सेठ यहाँ स्कीम करे ना कुछ करे, यहाँ खाली एडवर्टाइज करके चलेगा, सिलेंडर होगा फॉर्म को बिका के चलेगा, उन्होंने कुछ काम नहीं करे इधर, और उसके बाद आई भी नहीं, 5 साल हो गया किसी से मुलाकात भी नहीं करे इलेक्शन होने के बाद। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इसमें टिकट मांगना भी नहीं चाहिए, उन्होंने जीतने के लायक भी नहीं। मन्नान सेठ जो BSP से इससे पहले टिकट लेके यहाँ से 16,000 वोट लिए जी, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट बने जी, तो उसके बाद जब इतनी बड़ी पोस्ट मिलने के बाद आपके जो वोट लेने के बाद साउथ के, तो उन्होंने पलट के आके आपके वास्ते कोई रोज़गार मिला या टूर्नामेंट फुटबॉल या बॉडी शो क्या साउथ के लिए कुछ अच्छे बड़े काम किए? नहीं नहीं कुछ भी नहीं किए उन्होंने, सिर्फ एक 16,000 वोट लेते कि 20,000 वर्कर्स को छोड़ के भाग के चले गए वोटिंग के दिन, और जो है ना उन्होंने वर्कर्स को पैदल करके चले गए, वर्कर्स पूरे परेशान थे। अब हम इधर के लोगों से वो ये करते हैं रिक्वेस्ट, हो ऐसे लीडर के पीछे मत पड़ो आप जो आपको पैदल करे सो, आप अच्छे लीडर के पीछे पड़ो, आपको एक साथ दिए, एक एम बने आपका, आपको हर टाइम मदद करे ऐसा आप एक लीडर चुनिए। जैसे कि रहीम खान साहब है, रहीम खान साहब के सामने उन्होंने इलेक्शन थर रहे हैं वो गलत है, जैसे कि उन्होंने माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन है कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने माइनॉरिटी को जोड़ने का काम करेंगे, माइनॉरिटी को तोड़ने का काम कर रहे हैं मन्नान सेठ। कमठाना गाँव का हूँ, जब उन्होंने BSP से तेरे को, तो मैं भी एक वर्कर्स था उनके साथ, जब उन्होंने 20,000 वोटिंग के टाइम हमको छोड़ के चले गए, हम लापता हो गए और हम भी क्या पैदल हो गए, वर्कर्स पूरे वर्कर्स जो है ना 400-500 वर्कर्स पूरे पैदल हो गए। आप जिस वर्कर से पूछो उनके आप बोलते हैं उनके बारे में। माइनॉरिटी से वाइस प्रेसिडेंट हैं अब्दुल मन्नान सेठ, इससे पहले BSP से इलेक्शन लड़े और उससे पहले भी आप उनकी खिदमत कांग्रेस पार्टी में देख सकते हैं, तो 35 साल से वो कांग्रेस पार्टी से बने वाले हैं, एक 4-5 साल BSP में गए थे फिर कांग्रेस में आ गए। तो हमारा ये सवाल है, तो अब्दुल मन्नान सेठ ही कांग्रेस का टिकट के दावेदार हैं या अब्दुल मन्नान सेठ को कांग्रेस का टिकट नहीं होना चाहिए? देखो मन्नान सेठ BSP से ठहरे थे जी, तो ठहरने के बाद थोड़ा लेने के बाद फिर डबल अगर रूरल डेवलपमेंट अगर बनना है तो बार बार आना था ना, क्यों नहीं आया? हाँ क्यों नहीं आया? फिर इलेक्शन में जो वो पार्टी में जाकर जीतो, ये पार्टी में जीतो बोलकर उसका खाली ये है, वो 40 साल से भी रहने दो पार्टी में, मगर पार्टी बदलते बदलते भी क्या रूरल में क्या कर रहा है? नहीं कर रहा है उसको, उसका वर्कआउट ही नहीं होता, वो लोगों को खाली इलेक्शन में जो लोगों को याद होता है। रहीम साहब 100% का लीडर है, साउथ एरिया को आए नहीं, मेला लगाए तो बिदर में लगाए होंगे, यानी कि उनको फंड आया लगाए, आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ, कोई भी लगाए, मिलिट्रीज के बजट रहता वो, मिलिट्रीज से बजट आता, बजट के मेला लगाए या उन्होंने टूर्नामेंट करा रहे होंगे, टूर्नामेंट का बजट रहता गवर्नमेंट से, वो बजट के हिसाब से करा रहे होंगे, उन्होंने खुद की तरफ से क्या करे मदद लोगों को, कुछ भी नहीं किए। लॉकडाउन में कुछ लोग करे यहाँ लीडर, हमारे चंद्रा सिंह साहब करे और हमारे खान साहब इन्हों फेरोज खान साहब दिए, उन्होंने गरीब गुरबा लोगों को क्या भी अनाज पानी जो भी है थोड़ा मदद करे, ऐसे कुछ लोग लीडर करे, इन्हों क्या करे आपको? आदाब नमस्ते, मैं सैयद जी, भारत एक्सप्रेस न्यूज़ में सभी भारतीय लोगों का स्वागत है। आज हम कमठाने में हैं जो साउथ में एरिया आता है, कि बिदर में बार बार ये आवाज़ उठ रही है कि मन्नान सेठ जो एक कांग्रेस के माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले इन्होंने इसी एरिया से BSP से इलेक्शन लड़ा था, कि यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो किस तरह कैसे काम कर रहे थे और कांग्रेस में कैसा उन्होंने ज्वाइन हुए और लोगों से क्या क्या मदद करें आप इतने होने के बाद, और लोगों से भी हम ये पूछेंगे कि मन्नान सेठ के बारे में आपका क्या ख्याल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मन्नली में कुछ लोग बोले थे कि मन्नान सेठ BSP से थे, इलेक्शन लड़े, उसके बाद यहाँ पर सौ में पलट के नहीं आए, तो क्या ये लोग मन्नान सेठ को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं क्या? कमठाने के लोग मन्नान सेठ के फेवर में जानेंगे चाहिए। हम कुछ लोग से जानने की कोशिश करेंगे जो होटल पर बैठे हैं, कमठाना होटल पर जो यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मन्नान सेठ को जानते हैं क्या नहीं जानते? मन्नान सेठ जो BSP से इलेक्शन लड़े थे इससे पहले,
तो अब वो कांग्रेस के माइनॉरिटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इससे पहले जब इलेक्शन लड़े थे वो क्या काम कर रहे थे, आपके गांव में से उनको सपोर्ट हुआ था? नहीं, इन्होंने मन्नान सेठ कुछ भी नहीं करे और एक तो हमको धोखा दे के चले गए यहाँ से। मन्नान सेठ को तो देने के काबिल नहीं टिकट और वोट भी नहीं देने के काबिल, हमको पंचायत में ठहरने के काबिल नहीं होना। सर, जैसा कि आप MLA के क्या आशय से नॉर्थ में इन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि विदर्भ में चार लोग कोशिश कर रहे हैं जिसमें से एक बहुत लोकप्रिय नाम मन्नान सेठ का है, दूसरे लोग का भी बहुत अच्छा नाम है मगर एक नाम बड़ा नाम मन्नान सेठ का है, तो वो आप सिटी में कोशिश कर रहे हैं तो सिटी का कुछ टिकट उनको मिलना चाहिए मन्नान सेठ को? नहीं 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 मिलना, मन्नान सेठ को नहीं देना आप, क्योंकि उन्होंने तोड़ी कर लेके भाग जाते हैं, पैसे तोड़ी कर लेके भाग गए खेड़े के पास और पूरे मुसलमान 16,000। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप, ऐसा बड़ा करने से बोल रहे हैं तो हम क्यों करते हैं उन्होंने हमारे खिलाफ, तो उन्होंने कोई फायदे के नहीं है, 10 पैसे फायदे के नहीं है किसी के। तो माइनॉरिटी से इतनी बड़ी पोस्ट मिली है कांग्रेस की, तो उसके बाद आपको जो 16,000 वोट यहाँ से पूरे 100 से लिए हैं तो उनका सहूलत करे, कुछ तो मदद करे। लॉकडाउन में भी उनकी कमेटी ने बहुत काम किया है, जैसा एक पैसे का रोजगार नहीं, उन्होंने 1 रुपए की राशन तक नहीं दिया किसी को, ना कुछ नहीं। अभी रहीम खान भेजे और तुम्हारे इन्हों फेरोज खान वो भेजे, मगर उन्होंने भेजे कुछ भी, 1 रुपए का हमदर्दी नहीं करे उन्होंने। तो जैसा कि स्टेडियम में बहुत अच्छा फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है और यहाँ पर जॉब मेला लगा रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं सिटी में, तो यहाँ जब यहाँ पर कुछ काम लेके आए उनके पास? नहीं, बच्चों की एक फीस 1 रुपए बोले तो नहीं माने उन्होंने जी, उन्होंने 1 रुपए को बोले तो बच्चों को क्या बोलते, मास्क कार्ड बोलते, क्या बोलते, हाल टिकट नहीं दिए उन्होंने, बच्चों को डिफॉल्ट करके भगा दिए, बच्चों के माँ बाप बच्चे रो रहे, तो उन्होंने वो तक हमदर्दी नहीं करे उन्होंने। यहाँ सऊद में ठहर के उस टाइम में खाली पैसे तोड़ी कर लिए चले गए उन्होंने, मुसलमान 16,000 वोट लेके भाग गए, इशारा दे दिया खेड़ा के दालो बोल को भाग गए पैसे लेके 20,000। किसे मन्नान सेठ को टिकट मिलना चाहिए? नहीं नहीं, रहीम खान को देना, बहादुर आदमी है, हरते में पानी भेज रहे हैं, गाड़ियाँ शादियाँ को गाड़ियाँ भेजे, डीजल डाल के भेजे लोगों के, गरीब गुरुद्वार को। मन्नान सेठ को ये रहीम खान साहब को तो इधर का सौत का एरिया नहीं आता, तो भी आपको मदद कर रहे हैं? नहीं, बिदर में देना, हम मदद कर रहे हैं उनको, अच्छे आदमी है, हमारे एरिया नहीं है मगर हमारे सौद में उन्होंने गाड़ियाँ भेजी हमारे को, कई जने को पानी के भेजे और शादियाँ को भेजे, गरीब गुरबार सबको दिए उन्होंने, अपना डीजल डाल के भेजे। तो आपको कोई शिकार है क्या ऐसा बोलो बोल को? नहीं नहीं, कोई शिकार नहीं, हमारे दिल से बोल रहे हैं और मन्नान सेठ को टिकट नहीं देना, रहीम खान को देना। चलिए हमारे और अक्षक से बात करते हैं इसी होटल में, इनकी क्या राय है मन्नान सेठ के बारे में और बिदर सिटी का टिकट किसको मिलना चाहिए? सब साहब आपका हमारे चैनल में वेलकम है, बिदर सिटी का टिकट किसको मिलना चाहिए? तो मन्नान सेठ आपके एरिया में क्या काम करें? अस्सलाम वालेकुम, मन्नान सेठ वो इससे पहले 113 से आकर ठहरे थे BSP से, उन्होंने आके 16,000-17,000 कुछ वोट ले लिए, ले लेके फिर कांग्रेस ज्वाइन हो गए उन्होंने, कांग्रेस ज्वाइन हो जाए को हम कांग्रेस ज्वाइन हुए बोल को आपको बोले यहाँ लफड़े हो गए, कोई मसला हल नहीं करे उन्होंने, कभी आको देखे नहीं इधर 113 को, आज तक भी नहीं है 113 में, कैसे है तुम क्या है बोल को नहीं बोले इधर, अब उन्होंने क्या करे क्या नहीं, वो जब खेणी साहब ठहरे थे इधर वो क्या कर लिए कि सेटलमेंट उन्होंने आइस नहीं, इधर 20,000 चले गए, हमारे एरिया के लोग पूरे नाराज़ हो गए उनसे। तो बिदर सिटी से टिकट मांग रहे हैं उन्होंने, MLA के अंदर टिकट मांग रहे हैं मन्नान सेठ के साथ और 3 मुस्लिम लोग टिकट मांग रहे हैं, तो इन 3 को मिलना चाहिए क्या? बिदर MLA जो प्रेजेंट है उनको मिलना चाहिए? देखो साहब, सबसे बेहतर है रहीम खान साहब फर्स्ट, क्योंकि उन्होंने गरीब गुरबा हर चीज़ को या संदल रहा या कुछ भी रहा क्या भी मसला रहा, शादी ब्याह का कोई गरीब गुरबा लोग गए तो हर आदमी को मदद करते हैं, उन्होंने साउथ का बोल के नहीं बिदर बोल के नहीं, हर जहाँ का भी आदमी जान दे उनको मदद करते हैं। अब कमठाने को कलीज गाड़ी आई थी उनकी शादी में दिए उन्होंने, कल गाड़ी कमठाने को आई थी उनकी, खाली डीजल डाल को भेज देते हैं, ड्राइवर का भत्ता दे देना ख़त्म है, दूसरा क्या नहीं है उनका मसला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन भाई साहब की ज़बानी, और हम ये कहना चाहते हैं कि उनके पास भी बहुत सारे गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे स्कीम हैं, तो स्कीम इन तक पहुँचानी, जैसा बिदर में बहुत अच्छा आलिशान शानदार टूर्नामेंट हुआ है और जॉब मेला लगा रहे हैं और बहुत सारे स्कीम ला रहे हैं, तो यहाँ पर भी माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट है, तो इसके बाद भी वो कांग्रेस से भी आके इनकी मदद कर सकते थे क्या? इनकी मदद किए नहीं जानेंगे, उन्होंने 113 को आए नहीं, मेला लगाए तो बिदर में लगाए होंगे, यानी कि उनको फंड आया लगाए, आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ, कोई भी लगा, मिलिट्रीज के बजट रहता वो, मिलिट्रीज से बजट आता, बजट के मेला लगाए,
या उन्होंने टॉर्नामेंट करा रहे होंगे, टॉर्नामेंट का बजट रहता गवर्नमेंट से, वो बजट के हिसाब से करा रहे होंगे। उन्होंने खुद की तरफ से क्या करे मदद लोगों को, कुछ भी नहीं किए। लॉकडाउन में कुछ लोग करे यहाँ लीडर, हमारे चंद्रा सिंह साहब करे और हमारे खान साहब इनो फेरोज खान साहब दिए, उन्होंने गरीब गुरबा लोगों को क्या भी अनाज पानी जो भी है थोड़ा मदद करे, ऐसे कुछ लोग लीडर करे, इनू क्या करे आपको। तो चलिए ये थे हमारे भाई, उनसे भी जानेंगे। और हमारा एक सवाल जैसा फेरोज खान साहब का आप नाम लिया जेपी मेंबर का, तो जेपी मेंबर फिर पलट के यहाँ पर आए तो उनको आप सपोर्ट करेंगे जेपी मेंबर को? बिल्कुल करेंगे उनको, बिल्कुल 100% करेंगे, उन मदद करें और काम करें यहाँ फेरोज खान साहब को करेंगे। यहाँ बहुत स्कूल बनाए बड़ा कब्रस्तान के काम करे उन्होंने, हर बजट लाए कमठाने साउथ एरिया में, बिल्कुल बहुत बेहतरीन काम करे उनके हक में। चलिए साउथ में बहुत सारे माइनॉरिटीज लोग बहुत सारे हैं, तो रहीम खान MLA बार बार कहते हैं कि मैं ब्रिम्स हॉस्पिटल बनाया, 100 हॉस्पिटल बनाया, बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए हैं, तो साउथ में आपकी क्या मांगे रहेंगे? जो भी कैंडिडेट आप लड़ रहे हैं, जो प्रेजेंट आप जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, या कोई भी बंडापा साहब हो या नसीम पटेल साहब हो या कोई भी कैंडिडेट हो, तो आपको यहाँ पर हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के? है हॉस्पिटल, है हॉस्पिटल है, मगर हॉस्पिटल को जाने वाला कोई भी नहीं है वहाँ जी, जाकर वहाँ देखने वाला कोई लीडर है ना कोई है, कोई मेंटेनेंस नहीं है जी, कुछ नहीं है वहाँ। यहाँ रोड रोड से 2 किलोमीटर दूर है वो, उधर कोई जाएगा नहीं, देखेगा नहीं, कोई देखभाल नहीं है वहाँ। तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ हो गई तो एक्सीडेंट हो गया, किसका भी मसाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, तो आप कौन से हॉस्पिटल को ले जाते हैं? बीदर हॉस्पिटल को ले जाते हैं हम, 100% बीदर हॉस्पिटल को ले जाते हैं हम जी, सरकारी हॉस्पिटल को बीदर ले जाते हैं। बीदर में अगर हुआ अच्छा वाने हैदराबाद भेजते। तो MLA रहीम खान साहब बार बार कहते हैं कि 100-bed हॉस्पिटल और ब्रिम्स हॉस्पिटल मैं बनाया सिद्धरामैया सरकार में, तो इस हॉस्पिटल के काम से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है, हमारे को मदद होती है उससे भी जी, हाँ बिल्कुल मदद होती है हमारे को, अच्छा करे जो काम को मदद होती है, हम तो उसको मदद करे या क्या भी करे, वो अब तक कोई भी नहीं करे। बड़ा हॉस्पिटल बने उन्होंने, उसके लिए हम उनका भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं, और डॉक्टर्स भी ज़्यादा है वहाँ, और हर काम हो रहा, नहीं होने की सूरत में हैदराबाद भेजते हैं। चलिए हम यहाँ कमठारे में अंबेडकर सर्कल पर मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडियो में अंबेडकर सर्कल, बताइए सर। तो यहाँ एक शख्स जा रहे हैं, इनका नाम जानेंगे, इनका परिचय जानेंगे। साहब आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शिवकुमार है सर। तो BSP से जो कैंडिडेट थे अब्दुल मन्नान सेठ, तो मनाली में एक न्यूज़ आई थी कि वो वोट लेके वापस पलट के नहीं आए BSP से, फिर सिटी में MLA टिकट मांग रहे हैं उनके साथ, और 3 लोग भी मांग रहे हैं, तो MLA टिकट के दावेदार अब्दुल मन्नान सेठ हो सकते हैं क्या? वही टिकट जो 3 वक्त के MLA रहीम खान साहब को होना चाहिए? रहीम खान होना चाहिए जी, रहीम खान। तो क्यों रहीम खान बोल रहे हैं सर आप? क्यों रहीम खान बोले तो मन्नान सेठ का इधर नॉर्थ में और सिटी में क्या भी नहीं है सर, क्योंकि रहीम खान साहब का 2 बार MLA बन चुके हैं, 3 बार बन चुके हैं, लड़ चुके हैं, उनका तजुर्बा पब्लिक का गरीब लोगों का तजुर्बा है, और ख़ास कर पूरा 90% लोग मन्नान से रहीम साहब साहब को चाहते हैं। मन्नान साहब का तो डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट का ये नहीं है, उसको तजुर्बा है, लीडर है, 30-40 साल से लीडर है, मुस्लिम बीच में है, माइनॉरिटीज में लीडर है, मगर लोगों के बारे में गरीबी के बारे में उसकी एक्सपीरियंस नहीं है। BSP से ठहरे थे 15-16-18 हज़ार वोट लिए, ऐसा कोई भी ठहर के क्या बोलते हैं विशाल लोग भी उसको चाहने वाले भी रहते हैं, बिलीवर थोड़े डालते हैं, इतना वोट ना लियो, मगर आगे वो MLA छोटे वर्कर उसका ये नहीं। रहीम साहब 100% माइनॉरिटी का बड़ा लीडर है, उसको कांग्रेस का टिकट मिलना चाहिए। माइनॉरिटी से वाइस प्रेसिडेंट हैं अब्दुल मन्नान सेठ, इससे पहले BSP से इलेक्शन लड़े, और उससे पहले भी आप उनकी खिदमत कांग्रेस पार्टी में देख सकते हैं, तो 35 साल से वो कांग्रेस पार्टी से बने वाले हैं, एक 4-5 साल BSP में गए थे, फिर कांग्रेस में आ गए। तो हमारा ये सवाल है, तो अब्दुल मन्नान सेठ ही कांग्रेस का टिकट के दावेदार हैं या अब्दुल मन्नान सेठ को कांग्रेस का टिकट नहीं होना चाहिए? देखो मन्नान सेठ BSP से ठहरे थे जी, तो ठहरने के बाद थोड़ा लेने के बाद फिर डबल अगर रूरल डेवलपमेंट अगर बनना है तो बार बार आना था ना, क्यों नहीं आया? हाँ क्यों नहीं आया? फिर इलेक्शन में जो वो पार्टी में जाकर जीतो ये पार्टी में जीतो बोलकर उसका खाली यह है, वो 40 साल से भी रहने दो पार्टी में, मगर पार्टी बदलते बदलते भी रूरल में क्या कर रहा है? नहीं कर रहा है, उसको उसका वर्कआउट ही नहीं होता,
वो लोगों को खाली इलेक्शन में जो लोगों को याद होता है। रहीम साहब भी 100% साउथ का लीडर है, नॉर्थ का लीडर है। अब्दुल मन्नान सेठ एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट करा है, फुटबॉल टूर्नामेंट, ऑल इंडिया टूर्नामेंट करा है और जॉब मेला लगा रहे हैं, एक बॉडी शो भी करा रहे हैं सर। तो सिटी में नॉर्थ में बहुत अच्छे काम कर रही हैं, तो साउथ में इस तरीके से काम पहले करे थे सर? नहीं करे जी, नहीं करे, कुछ भी नहीं करे जी। बिहार में भी नहीं कर रहे, रात में कर कहा रही इलेक्शन में ठहरना। मैं इतना साल से होता से पहले कांग्रेस में हूँ, मेरे को टिकट होना बनकर खाली क्या करते लॉबी करते रहता हूँ इलेक्शन में, लॉबी करते लोगों को बुला के, और कुछ नहीं करते। उसका डेवलपमेंट नहीं है, रेम सब कुछ मिलना चाहिए, और अगर कांग्रेस को अगर आगे सरकार बनाए तो रेम साहब को टिकट देना। पानीपुरी की मंडी पर जानेंगे कि कुछ लोग ठहरे वाले हैं, उनके भी राय करेंगे। जो माइनॉरिटी के लोग हैं यहाँ पर ये पानीपुरी खा रहे हैं, तो अब्दुल मन्नान सेठ पहचानते सर? पहचानते। तो कैसा पहचानते हैं उनको? उनका एक एजुकेशन इदारा है, ये पहचानता हूँ, शाइन स्कूल का। तो उनके इदारे से आप लोगों को सहूलत हुई? इदारे से सहूलत थी, मगर फीस ज़्यादा उनके पास। हम लोग हाँ दूसरे इस कॉलेज में पढ़े, सो हमारे दोस्तों वगैरह पढ़े सो। तो अब्दुल मन्नान सेठ जो BSP से इससे पहले टिकट लेके यहाँ से 16,000 वोट लिए जी, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट बने जी। तो उसके बाद जब इतनी बड़ी पोस्ट मिलने के बाद आपके जो वोट लेने के बाद साउथ के, तो उन्होंने पलट के आके आपके वास्ते कोई रोज़गार मिला या इस टूर्नामेंट फुटबॉल या बॉडी शो का साउथ के लिए कुछ अच्छे बड़े काम किए? नहीं कुछ भी नहीं किए उन्होंने, सिर्फ एक 16,000 वोट लेते कि 20,000 वर्कर्स को छोड़ के भाग के चले गए वोटिंग के दिन, और जो है ना उन्होंने वर्कर्स को पैदल करके चले गए, वर्कर्स पूरे परेशान थे। अब हम इधर के लोगों से वो ये करते हैं रिक्वेस्ट, हो ऐसे लीडर के पीछे मत पड़ो आप जो आपको पैदल करे सो, आप अच्छे लीडर के पीछे पड़ो, आपको एक साथ दिए, एक एम बने आपका, आपको हर टाइम मदद करे ऐसा, आप एक लीडर चुनिए। जैसे कि रहीम खान साहब है, रहीम खान साहब के सामने उन्होंने इलेक्शन थर रहे हैं वो गलत है। जैसे कि उन्होंने माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन है कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने माइनॉरिटी को जोड़ने का काम करेंगे, माइनॉरिटी को तोड़ने का काम कर रहे हैं मन्नान सेठ। तो मन्नान सेठ बोल रहे हैं कि मैं 16,000 के साथ यहाँ पर वोट लिया, तो कौन सी गाड़ी वाले का पैसा बाकी नहीं, किसका भी नहीं, जिस तरीके से वोटिंग हो गई उस तरीके से मैं सबका बराबर करके मैं वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो वो साउथ को जाऊँ क्यों, मेरे को नॉर्थ में इलेक्शन लड़ना है तो नॉर्थ में ही करूँगा काम। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कर्नाटक के वाइस माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं, तो कर्नाटक के माइनॉरिटी की एकजुट करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं करे, तो माइनॉरिटी की उनके पास फीलिंग नहीं है, तो उन्होंने बिदर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको लीडर की काबिलियत नहीं है, उन्होंने डेवलपमेंट माइंड नहीं है लीडर उन्होंने। जैसे कि उन्होंने एक माइनॉरिटी का माहौल ख़राब करने के लिए, जैसे कि हमारे साथ MLA माइनॉरिटी के, और एक माइनस करने के लिए उन्होंने ठहर रहे। गाँव से आपका ताल्लुक है क्या, आजू बाजू गाँव से ही? मैं इसी गाँव का हूँ, कमठाना गाँव का हूँ। जब उन्होंने BSP से तेरे को, तो मैं भी एक वर्कर्स था उनके साथ, जब उन्होंने 20,000 वोटिंग के टाइम हमको छोड़ के चले गए, हम लापता हो गए, और हम भी क्या पैदल हो गए, वर्कर्स पूरे वर्कर्स जो है ना 400-500 वर्कर्स पूरे पैदल हो गए। आप जिस वर्कर्स से पूछो उनके आप बोलते हैं उनके बारे में। हमारा चैनल जो सर्वे करने के लिए यहाँ पर आया है, किसी भी लीडर को हम जाति तौर पर बदनाम करने के लिए नहीं आए हैं, खाली एक न्यूज़ चल रही थी मनाली में, जो मन्नान सेठ को इतने बड़े सक्सेस के बारे में कुछ लोगों ने कहा था कि मन्नान सेठ आए साउथ में वोट लिए चले गए, तो हम कमठाने को इसलिए आए थे कि उस आदमी को जो शख्स है उसको हम पूरे तरीके से क्लियर कर दें, यहाँ के आवाम में, बिदर डिस्ट्रिक्ट के आवाम में क्लियर कर दें कि मन्नान सेठ किस तरीके के आदमी हैं और किस तरीके से उनका काम है। तो हमारे चैनल से वाले आपको कोई सिखाए, और क्या रहीम खान के कोई फॉलोअर आपको सिखा रहे थे कैसा भी ये चैनल से? अब ऐसा मैसेज दीजिए बिल्कुल। नहीं, कोई मैसेज नहीं दिए, हम यहाँ पे ठहरे थे, आप आए, और हम जो है आपको बोले, हम खुले दिल से बोले, जो है रहीम खान साहब जो है ना कमठाने के लिए पूरे जो भी हर कास्ट का रहेंगे मुस्लिम ने, हर कास्ट के आदमी को पानी भेजते, पानी का टाइम रहा तो पानी भेजते, उन्होंने बस का इंतज़ाम करते, और जो है ना शादियों के टाइम बच्चों के लिए इंतज़ाम करते, हर चीज़ में उन्होंने क्रिकेट भी खिलाते, हर चीज़ करते हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स में भी, एजुकेशन में भी, हर चीज़ में उन्होंने मदद करते हैं रहीम खान साहब को। एक हमारे बिदर डिस्ट्रिक्ट के एक नेता मुस्लिम के बोले तो रहीम खान साहब है, जो हर काम करते, जैसा कि बिदर ब्रिम्स हॉस्पिटल बनाए, हर पूरे डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी को रहने हर कास्ट को मदद हो रही है, जैसे कि ओल्ड सिटी में बनाए वहाँ पर माइनॉरिटी को हो रहा है, जो और कॉलेजेस वो ये हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं उन्होंने, हर चीज़ कर रहे हैं उन्होंने,
तो हमें रहीम खान साहब को सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, हम यहाँ पर चाय पीने के लिए बैठे थे, फिर एक शख्स से मुलाकात हुई, फिर इस बारे में विचार हुआ, फिर बात हुई कि अब्दुल मन्नान सर जो इससे पहले BSP से इलेक्शन लड़े थे साउथ में, तो उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको बता रहे हैं, तो इस बारे में इनके ख्याल लेने आए हैं। तो BSP से अब्दुल मन्नान सर ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, तो अब सिटी से, बिदर सिटी से रहीम खान साहब जो इलेक्शन में 3 वक्त के MLA हैं, उनके साथ साथ और 3 लोग मन्नान सेठ को मिला को टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस का, तो अब्दुल मन्नान सेठ को टिकट मिलना चाहिए क्या? नहीं नहीं मिलना चाहिए। अब्दुल मन्नान सेठ क्या भी नहीं करे, पिछले भी इलेक्शन में ठहर के वो अंदरून क्या पैसे ले लेगी, खेड़ा के पास सिलेंडर हो गए और इलेक्शन लड़ने काबिल भी नहीं है, उन्हों आना भी नहीं आइंदा भी। और रहीम खान के इसमें, रहीम खान बिदर से एक माइनॉरिटी की सीट चले आती है और मन्नान सेठ उसमें अगर इन्वॉल्व हुए, ठीक है, स्टेट प्रेसिडेंट हैं जो बहुत अच्छा लीडरशिप कर रहे हैं बिदर में, एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट कर रहे हैं ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट, और उसके साथ साथ जॉब मेला कर रहे हैं अब्दुल मन्नान सेठ माइनॉरिटी के लिए, और बॉडी शो कर रहे हैं और बहुत सारे स्कीम कर रहे हैं। तो इससे पहले साउथ में जब इलेक्शन लड़ते थे स्कीम कर रहे थे मन्नान सेठ, यहाँ स्कीम करे ना कुछ करे, यहाँ खाली एडवर्टाइज करके चलेगा, सिलेंडर होगा फॉर्म को बिका के चलेगा, कुछ काम नहीं करे इधर, और उसके बाद आई भी नहीं, 5 साल हो गया किसी से मुलाकात भी नहीं करे इलेक्शन होने के बाद। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इसमें टिकट मांगना भी नहीं चाहिए, उन्होंने जीतने के लायक भी नहीं। मन्नान सेठ जो बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं माइनॉरिटी के लिए, तो अब्दुल मन्नान सेठ यहाँ पर BSP से इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद BSP के बाद कांग्रेस में आए, उन्हों 35 साल से कांग्रेस में उनकी खिदमत है बोल के बता रहे हैं। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा लीड करके माइनॉरिटी के वास्ते एक हॉस्पिटल बनाने के लिए आवाज़ नहीं उठाई बिल्कुल, यहाँ के लोगों की शिकायत है, तो इस बात से आप सहमत हैं? मन्नान सेठ अब खाली इलेक्शन में टिकट के वास्ते कर रहे हैं, सब पूरे कौम को मालूम है, माइनॉरिटीज लोगों को मालूम है, सबको मालूम है, इन्हों कई के वास्ते कर रहे हैं, और इन्हों कुछ कौम की मदद करने वाले लोग नहीं है, और उनके पास एक शाहीन इदारा चल रहा हुआ है, एक बच्चे को, गरीब बच्चे को एक फ्री एडमिशन लेने वाले नहीं है, ये लोग कौम की क्या मदद करेंगे, माइनॉरिटीज के लोगों की क्या मदद करेंगे ये लोग? तो शाहीन इदारा तो उनके भाई का है बोल को बता, इन्होंने जनरल सेक्रेटरी है वहाँ भी, कुछ हाँ अगर कुछ मदद मांगे तो कोई मदद नहीं देते इन्हों, ऐसे लोग क्या इलेक्शन लड़ेंगे? तो आपकी साउथ में जो लीडरशिप है यहाँ पर, तो उसके साथ साथ यहाँ आगे 2023 का इलेक्शन आ रहा है, तो किस कैंडिडेट को अब यहाँ पर MLA देखना चाहते हैं? यहाँ से 1-2 कैंडिडेट चंद्र सिंह है, ये खेड़ी भी उस मन्नान सेठ की जात का है, उन्हें काम का ना धाम का, आना चले आना बेंगलुरु में बैठना, यहाँ हमारे को 1-2 कैंडिडेट चाहिए, चंद्र सिंह चाहिए हमारे को, हाँ